नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रामरूप शर्मा आज आपको 10th से दूर 11th की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप 10th के एग्जाम लगभग दे चुके, सारे एग्जाम हो चुके, कोई नया एग्जाम होना नहीं है। अब आप एंजॉय कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे आगे की प्लानिंग के बारे में, तो उसी में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। क्लास 11th के लिए सिलेबस आपका क्या होगा, और कल जो मैंने वीडियो डाली थी कि किस तरीके से आप ऑप्ट करेंगे कि कौन सा स्ट्रीम लेंगे, उस ऑप्ट में कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ क्वेरी आए, तो मैं उनके आंसर भी इसी वीडियो में आपको देना चाहूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आए कि कितना परसेंट आने पर, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि सीबीएसई बोर्ड में अब सीजीपीए नहीं आएगा। सीजीपीए क्यों आएगा भाई, जब सीसी सिस्टम हमारा चेंज हो गया है। अब हमारा सिस्टम जो है सीबीएसई का वो यूनिफॉर्म सिस्टम है, तो उसमें सीजीपीए नहीं आएगा, तो उसमें प्योर परसेंटेज आपको निकालनी होगी। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के आगे मार्क्स लिखे हुए होंगे, उसके आगे उसका ग्रेड लिखा हुआ होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसका परसेंटेज निकालेंगे। चलिए, फिर उसके साथ तो बहुत सारे कमेंट इस टाइप से आए कि कितने परसेंट पर कितने कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ स्कूलों में 90% पर कोई स्ट्रीम देते हैं, कुछ स्कूलों में 80% पर कोई स्ट्रीम देते हैं, तो ये स्कूल पर डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि वो किस स्ट्रीम को कितने परसेंट पर देंगे। लेकिन कॉमनली क्या होता है कि अगर आपकी परसेंटेज 80 से ज्यादा है, 80 या 80 से ज्यादा है, तो आपको चांसेस होते हैं कि आपको साइंस स्ट्रीम मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में अगर 70% प्लस है या 70% से थोड़े बहुत ज्यादा है, ठीक है, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। आप हो सकता है आपके 90% हो, 95% हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट या आपका फ्यूचर प्लान कॉमर्स में हो तो आप कॉमर्स ही लेंगे, और 60% पर जनरली ह्यूमैनिटीज दे देते हैं। ठीक है, और तो ये तो मैंने आपको परसेंटेज की बात की, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किसी भी जगह का, सब स्कूल्स का अपना अपना तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे मैंने टॉपिक लिखा है प्रवेश करें वेलकम रियल मैथमेटिक्स में, रियल का मतलब है कि अब जो 11th क्लास में आप मैथमेटिक्स लेंगे, तो आपको कल मैंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी किस तरीके से सोचें, किस तरीके से समझें, क्योंकि यहां पर देखिए 10th तक तो कंपलसरी है पढ़ना मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है ना, तो वहां पर चॉइस ही नहीं है आपके पास में, आप पढ़ना चाहते तो भी आपको पढ़ना है, आप पढ़ना नहीं चाहते तो भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे तैसे आपने काम चलाया है तो भी मैथमेटिक्स में आपको मार्क्स देखे जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पूरा छूट है कि आप मैथमेटिक्स ले या ना ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स आप मेरी राय में उसी केस में लें जब आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो, जब आप मेहनत करना चाहते हो। हालांकि मेहनत तो हर सब्जेक्ट में, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा लॉजिक की जरूरत होगी, इंटरेस्ट की जरूरत होगी, ठीक है ना, कमिटमेंट की जरूरत होगी, डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी, कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी, आपको सिटिंग देनी होगी। इतनी ज्यादा सिटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मन से मान के पढ़ना पड़ेगा। यू नहीं है कि पेपर आ रहे हैं तो पढ़ेंगे, या किसी गार्जियन ने कह दिया तो पढ़ेंगे, पेरेंट्स ने कह दिया तो पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब मैथमेटिक्स लें, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर आप अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया उसमें एंट्री कराता हूँ कि किस तरीके से आपके पास मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज होगी। जो 11th का मैथमेटिक्स है उसका जो है करीब ये मेनली 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है, जैसे आप 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th में भी चैप्टर था और नंबर सिस्टम, और फिर 10th में था रियल नंबर्स जो अलजेब्रा से अलग होता है। तो आपका जो यहाँ पर चैप्टर होगा उसका नाम होगा, दो चैप्टर होंगे 11th क्लास में, एक नाम होगा सेट और दूसरा होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रियल नंबर की तरह से ये चैप्टर होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और बहुत बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा 11th में बहुत ज्यादा होगा, एलजेब्रा की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली। तो एलजेब्रा में आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा, आप चौकिए मत, ट्रिग्नोमेट्री भी एक एलजेब्रा है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी ये सब एलजेब्रा था, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी एक एलजेब्रा की तरह से काम करेगी। मैथमेटिकल इंडक्शन,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, वो भी एक अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस और सीरीज, ये आप चैप्टर 10 क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके, जिसे एपी नाम से पढ़ाया आपने। यहाँ पर एक जीपी सीरीज और जुड़ जाएगी और एक एजीपी सीरीज और जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका अलजेब्रा होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैंने जो बात बताई है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जरूर पढ़ने की मन की इच्छा होनी चाहिए, पढ़ना चाहते होने चाहिए। आप इसलिए नहीं पढ़ना, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, टेंथ में हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें पास होना है, टेंथ में हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि हमें तो करना ही है भाई, एनी हाउ हमें पास होना है, निकलना है। लेकिन यहाँ पर ये सोचकर आप बिल्कुल नहीं लेंगे, आप अपने मन से ही मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सब चीजें अच्छे के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, आपको स्मार्ट बनाने के लिए, आपका मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट इजी बनाने के लिए ये सब अलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके ये 4-5 चैप्टर होंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। उसके साथ साथ एक पार्ट वो ही है पुराना, जो आप 9th, 8th, 7th से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और फिर एक नया चैप्टर होगा जो आपको 11th, 12th की तरफ ले जाएगा, जिसका नाम होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो ये हमारा 11th क्लास का सिलेबस होगा, जो CBSE बोर्ड की तरफ से अभी तक चल रहा है, और ये सब आपको पढ़ना होगा। थोड़ा बहुत कुछ चेंज आएगा, वो अलग चीज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं आएगा। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छा अलजेब्रा है, और जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे पढ़ना आया है। तो इन सभी जानकारी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपकी 11th, 12th एंड ऑनवर्ड्स हर तरीके से आपकी मदद वीडियो के थ्रू करता रहूंगा। आप अपने कमेंट, मैं अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी क्वेरीज जरूर डालते रहिए, और मैं आपके साथ वीडियो के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।